अच्छा जी, ये सुने, पेज नंबर है 187। जरा सारे अब माइक जो है वो अपने अपने ऑफ रखिएगा। पेज नंबर 87 है, 187 है, और इस पर इकबाल का जो है वो तारुफ लिखा हुआ है। ये निकालें सबसे पहले, विलादत 1877, वफात 1938। शेख मोहम्मद इकबाल सियालकोट के एक मुअज्जज खानदान में पैदा हुए। ये अब यहां से हमें क्या पता चला कि इकबाल का जो खानदान था वो, या जो इकबाल के खानदान के लोग थे वो शेख फैमिली से जो है वो ताल्लुक रखते थे। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। रवायात के मुताबिक, रवायात जो एक रवाज या जो एक बात चली आ रही हो, रवायात के मुताबिक इकबाल की इब्तदाई तालीम दीनी मदरसे में हुई। अंग्रेजी स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया। इम्तियाजी नंबरों से पास किया मतलब बाकियों से जरा फर्क के साथ पास किया, अच्छे नंबरों के साथ उसको पास किया। उमर कॉलेज में दाखिल हो गए। यहाँ उन्हें मौलवी सैयद मीर हसन जैसे उस्ताद मुयसर आया। अब ये आपका एमसीक्यूज इस तरह का पूछा जा सकता है कि इकबाल के उस्ताद का नाम बताइए। तो इकबाल के उस्ताद जो थे वो सैयद मीर हसन। इकबाल को फारसी और अरबी का सही जोक उन्हीं के बदौलत हासिल हुआ। कि मतलब मीर हसन जो थे उनके उस्ताद, वो अरबी और फारसी में बहुत अबूर रखते थे। इन्हीं वजूहात की बना पर इकबाल को भी फारसी और अरबी पर शौक जो है वो पैदा हुआ। एफए करने के बाद, एफए जी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटर करने के बाद, वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर चले गए और वहां भी उन्हें प्रोफेसर आर्नल्ड जैसे शफीक उस्ताद मिला। फिर देखें आगे, जिनकी वजह से इकबाल की खुफिया सलाहियतें बेदार हुई। कि मतलब ऐसे उस्ताद मिलते रहे कि जो इकबाल के दिल में बातें छुपी हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गई। इसी कॉलेज से एमए करने के बाद उन्होंने कुछ अर्सा यहाँ तदरीस के फराइज अंजाम दिए। तदरीस कहते हैं ये पढ़ाने का जो सिलसिला है उसको तदरीस कहा गया। फिर आला तालीम के लिए यूरोप चले गए और वहां बरेस्ट्री और फलसफा में डॉक्टरेट किया। डॉक्टरेट ये पीएचडी की, फलसफा वैसे बेसिक जो मतलब है, फलसफा का बुनियादी मतलब उसको कहा जाता है कोई नई बात सामने लेकर आना, कोई ऐसी बात सामने लेकर आना जिस पर किसी ने इससे पहले कोई बात ना की हो। वापिस आने के बाद उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया, मगर इस पेशे से तबीयत जल्द उचाट हो गई। उचाट का मतलब होता है बेजार हो गई, उकता गए। अलामा इकबाल ने कुछ अरसा सियासत में भी दिलचस्पी ली। एक मरतबा जब मुस्लिम लीग की सदारत के लिए उनका नाम तजवीज हुआ तो उन्होंने अपने बजाय कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इस मनसब का अहल करार दिया। कि मतलब उन्होंने ये कहा कि मेरे से बेहतर जो है वो मुस्लिम लीग को चलाने वाले कायदे आज़म है, इसलिए उन्होंने उनका नाम जो है वो तजवीज किया। तो उन्होंने फिर आगे किया जी, अलामा इकबाल का एक अहम कारनामा 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सालाना जलसे में क़ियाम पाकिस्तान की तजवीज़ है। आखिरी उम्र में मुख्तलिफ बीमारियों ने आन घेरा और 21 अप्रैल 1938 को हाल के हकीकी से जा मिले। इकबाल वो हस्ती है जिन पर ना सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया फख्र करती है। उन्होंने शायरी का आगाज तो स्कूल के जमाने से किया था। ये बहुत कम उम्र में इकबाल के बारे में क्या बताया जा रहा है कि उन्होंने शायरी का आगाज जो है वो स्कूल के जमाने से जो है वो किया था। लेकिन दौरे यूरोप के बाद सही मानों में उनके मौजूआत का तायुन हो गया। कि जब यूरोप में इकबाल के बारे इतला के लिए गए तो वहां पर जब पहुंचे तो इकबाल ने मुख्तलिफ मौजूआत का अपनी शायरी में उसका चुनाव किया। उन्होंने तारीख आलम का मतलब किया था, इसलिए वो मुसलमानों के जवाल के असबाब से आगाह थे। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए हरकत और अमल का पैगाम दिया। उनका फलसफा खुदी, ये अब मौजू लिखे हुए हैं इकबाल के, उनका फलसफा खुदी तस्वुर मर्द मोमिन और मुसलमानों के लिए मशाल राह बन गया। उर्दू के रवायती शुरा के बरक्स इकबाल ने उर्दू शायरी को नए मौजू, ख्यालात, असलूब और फलसफियाना ख्यालात से रोशनास कराया। उनका मुशाहिदा बेहद कवी है। कवी का मतलब वैसे मजबूत होता है तो, लेकिन यहां पर गहरा मुशाहिदा रखने वाला, बहुत गहराई में जानने वाला, मंजर निगारी पर उन्हें अबूर हासिल था। कि मतलब आस पास, अब उनकी अगर वो अमालिया नजम पढ़े
करतबा नज़म उनकी पढ़े तो वो उसमें क्या था कि उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन किस्म के आसपास की मंजर निगारी जो है, पहाड़ों का जिक्र, पानी का चलना, आबशारों का बहना, परिंदों का चहचहाना, उस मस्जिद करतबा के जो मीनार थे उनका जिक्र करना, तो ये सारी बातें हमें कहाँ पर दिखाई दे, ये मंजर निगारी में इकबाल बहुत ज्यादा जो है वो अबूर रखते थे। गर्ज इकबाल की शायरी रिवायत और जिद्दत का बेहतरीन इम्तिजाज है। अपनी बेपनाह शायराना खसूसियात के बाइस उन्हें शायर मशरिक, हकीमुल उम्मत, नवाज फितरत कहा जाता है। नवाज वैसे नफ्स की जमा है नवाज, फितरत जो फितरत को समझने वाला हो, फितरत को जानने वाला हो, उसको कहा गया। फिर उसके बाद इकबाल को अरबी और फारसी जुबानों पर अबूर हासिल था। उन्होंने अपने कलाम में कुरानी आयात का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से किया। इसके अलावा उनके कलाम का एक बड़ा हिस्सा फारसी जुबान पर मुश्तमिल है। इकबाल की आफाकी नजरियात ज्यादातर उनके फारसी कलाम में मौजूद है। तसानीफ जो किताबें इकबाल से मंसूब है, इकबाल ने लिखी हैं, उनमें बांगे दरा, बाले जिब्रील, जरबे कलीम, अरमगाने हिजाज, जबूर अजम, जावेद नामा, इसरार खुदी, रमूज बेखुदी, पस जबायत करदा ए अक्वामे शर्क, मुसाफिर, पयाम मशरक, इल्मुल इक्तिसाद, ये नसर की किताब थी और बेशुमार किताबें जो हैं वो इकबाल ने लिखी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इकबाल ने जो मंजूम भी किस्से लिखे और उनको तरन्नुम के साथ पढ़ा भी करते थे। तरन्नुम और तैतुल लफ्ज, दो लफ्ज आपको बताए थे। तैतुल लफ्ज कहा जाता है जिस तरह आम रूटीन में, आम रोजमर्रा जिंदगी में हम चीजें एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, मतलब शायरी या क्लास में अब आम जो रोजमर्रा जिंदगी में जिस तरह पढ़ी जाती है उसको तैतुल लफ्ज कहा गया। अगर उसी शायरी को हम तरन्नुम पर या सोज़ो साज़ पर, सुर साज़ की बुनियाद पर हम उसको गाना शुरू करेंगे, सुर लय के साथ पढ़ेंगे, तो वो तरन्नुम कहलाएंगे। इकबाल को वर्जिश का बेहद शौक था। ये परिंदे पालने का भी इकबाल को जो है वो शौक था। इकबाल के जो ये लिबास था उसमें वो कुर्ता जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करते। अभी मैंने आपको एक सबक भी पढ़ाया था इलामा इकबाल के हवाले से, तो उसमें भी तरह तरह के उनकी बातें जो है वो सामने आती रही कि एक एक नशिस्त में बैठे बैठे इकबाल 200-200 अशार जो है वो लिख लेते थे। तबीयत ऐसी थी। और फिर उसके साथ साथ इकबाल जो है वो क्या थे, इनके जो अबाऊ अजदाद थे वो कश्मीर से ताल्लुक रखते थे। मैंने आपको तारुफ भी लिखवाया हुआ था इसको कि इकबाल का एक भाई और चार बहनें थी। ठीक है, ये आपको मैंने शायरी में इकबाल ने जो है वो दाग देलवी से इसला लेते रहते थे। ये जो नज़म लिखी गई है जवाब शिकवा, इसकी टोटल जो है वो 36 बंद है, लेकिन किताब में जो है वो 13 बंद इस कोर्स में जो है वो शामिल किए गए हैं। शिकवा पढ़ने के लिए, शिकवा और जवाब शिकवा, शिकवा पढ़ने के लिए सबसे पहले जवाब शिकवा का पढ़ना जो है वो जरूरी है कि तब जाकर शिकवा जो है वो समझ में आता है। और ये याद रखिएगा कि शिकवा जो नज़म लिखी गई, ये जवाब शिकवा, इस नज़म में मुसलमानों की जो जवाल और बर्बादी थे, खास तौर पर ईरान के मुसलमान जो थे उनकी जो जवाल और बर्बादी थी उसको इकबाल ने यहां पर पेश किया है। शिकवा में, शिकवा की बात कर रहा हूं, अल्लाह ताला से इस जवाल और बर्बादी पर इकबाल ने नाराजी का इजहार किया है। नाराजी का इजहार किया है कि जो मुसलमानों पर आए दिन जो परेशानियां और मुसीबतें पड़ी रहती थी, इस हवाले से इकबाल ने उस पर नाराजी का इजहार जो है वो किया है। और बुनियादी बात मुसलमानों के आमाल थे, चाहे वो बुरे आमाल थे चाहे बदतर आमाल थे, इस बिना पर इकबाल ने अल्लाह ताला से, और ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों पर ये तरह तरह की मुसीबतें आती रही और इन मुसीबतों पर
इकबाल ने जो है वो नाराजगी का इजहार जो है वो किया था। क्यों शिकवा? इस वजह से किया था कि मुसलमानों ने कुरान और सुन्नत से जो है वो ला तल्की इख्तियार कर ली, को तर्क कर दिया। अब इकबाल का वो शेर थे कि जिसमें वो कहते हैं कि तुम्हें तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। कि इकबाल ने क्या बताया कि ए मुसलमान, नौजवान को मुखातिब कर, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू अपने आबाओ अजदाद के तौर तरीकों को क्या कर चुका है, तर्क कर चुका है, छोड़ चुका है। इस वजह से ए मुसलमान, तुझे अपने आबाओ अजदाद के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं हो सकता। कि तू गुफ्तार ए मुसलमान, तू सिर्फ और सिर्फ, ए नौजवान, तू सिर्फ और सिर्फ बातें करने वाला है। वो किरदार उन्होंने बातें भी की, उन्होंने कुछ करके भी दिखाया। तू साबित, तू एक जगह पर रुका हुआ है, वो सैयारा, उन्होंने चल फिर कर क्या की, इस्लाम के तबलीग को आम किया था। फिर इकबाल जब यूरोप में गए तो वहां की लाइब्रेरियों में जब मुसलमान साइंसदानों की किताबें देखी तो उस वक्त इकबाल ने वो शेर लिखा था, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। कि आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इल्म के मोती के मुसलमान साइंसदानों की लिखी हुई किताबें, जिनसे मुसलमान साइंसदान ने जो है वो फायदा हासिल करना था, लेकिन अफसोस कि आज उन्हीं किताबों से मुसलमान की जगह जो है वो गैर मुस्लिम अंग्रेज जो है वो फायदा हासिल कर रहे हैं। जो देखे उनको यूरोप में, कि जब मैंने उनको यूरोप की लाइब्रेरियों में जाकर देखा, कि जब मैं यूरोप में बार एटलाव के लिए गया तो वहां की लाइब्रेरियों में देखा तो वहां की लाइब्रेरियों में मुसलमान साइंसदानों की किताबें थी, तो दिल होता है सिपारा, तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, मेरा दिल खून के आंसू रोया। कि आज अफसोस के मुसलमान को इन किताबों से जो है वो फायदा हासिल करना चाहिए। जवाब शिकवा में एक इकबाल का इसी नजम में एक शेर आता है, थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ रखे मुंतजिर फरदा। क्या मुसलमान, थे तो तुम्हारे ही आबा, कि वो तेरे ही आबाओ अजदाद थे ना, कि जिन्होंने घूम फिर कर सख्त परेशानियां मुसीबतें भी आती रही तो उन्होंने क्या किए, इस्लाम की तबलीग को आम करते गए। तुम हाथ पर हाथ रखे मुंतजिर फरदो, मुसलमान अब क्या हो चुका है, सुस्त हो चुका है, नकारा हो चुका है, जिस बिना पर दूसरी कुवतें जो हैं वो उस पर हावी होती जा रही है। तो ये जवाब शिकवा सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर लिखा गया कि जो हम कुरान और सुन्नत को तर्क कर चुके थे, शिकवा इस बिना पर लिखा गया। ये मतलब अल्लाह ताला की जुबानी, इसमें जो खुदा ताला की तरफ से जो एक पैगाम आया उसको इकबाल ने जो है वो जवाब शिकवा की नजर कर दिया था। कि मुसलमान जो है, आज का मुसलमान वो हर बात को तकदीर पर छोड़ देता है, कि मेरी तकदीर में, मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ था। वो ये नहीं कहता कि बस मेरे आमाल ऐसे हैं, लेकिन वो क्या कह देता है कि मेरी तकदीर में ये बात लिखी गई थी। क्यों? कि मुसलमान हिम्मत और हौसले से काम नहीं लेते, हिम्मत अपने अंदर पैदा नहीं करते, हौसला अपने अंदर पैदा नहीं करते, जिस बिना पर क्या है वो दिन ब दिन पीछे ही जाने होते जा रहे हैं। अपने मजहब से दूरी, आज दूसरी कुवतें जो हैं, दूसरी कौमें जो हैं वो मुसलमानों पर हावी हो चुकी है, गैर कौमें जो है, गैर अकवाम जो है वो मुसलमानों को गुलाम बना रही है। हमें अपने इस्लाफ के, अबाओ अजदाद के कारनामों पर क्या करना चाहिए था, फख्र करना चाहिए था, लेकिन आज क्या हुआ कि आज हम उनसे बहुत हद तक जो है वो पीछे हट चुके हैं। आज हमें जो है इस चीज की कोई परवाह नहीं कि हमारे अबाओ अजदाद क्या करते रहे और हम किस जानिब जो है वो चल पड़े। आज हम सिर्फ और सिर्फ
दूसरी कुवतों की जानिब देखते हैं, हाथ पर हाथ रखे कि हम आराम सकून, ये हम इसके तलब करते हैं कि कोई ताकत आए और आकर हमें क्या करे, हमारी जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, वो दूर करें। लेकिन हमारे अबाओ अजदाद ने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने तो घूम फिर कर जो है वो इस्लाम की तबलीग को आम किया था। उन्होंने ये नहीं देखा था कि काश कोई ताकत आए, उन्होंने अपने अंदर हिम्मत और हौसला जो है वो पैदा किया था। उन्होंने ये हरगिज नहीं कहा था कि कोई बाहर से बैरूनी ताकत आए तो हम उसके बलबोते पर आगे बढ़ेंगे, नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम इस्लाम की तबलीग को जो है वो आम करते, हम खुद जो है वो अमलन कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि हमें इस चीज की शौक नहीं है। अगर आज भी हम मुतहद हो जाएं, एक हो जाएं, उस्वाए हसना पर चलना शुरू कर दें, तो मुसलमान कौम का ये शेवा होगा, मुसलमान कौम का ये तरीका होगा कि अगर आज उस्वाए हसना पर चलना शुरू कर दें तो हम अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा से जो है वो हासिल कर सकते हैं। कि जो हमसे आज जो परेशानियां मुसीबतें आज हम पर आ रही है, तरह तरह की बैरूनी ताकतें हम पर जो है वो प्रेशर डाल रही है, हमें दबाव डाल रही है, लेकिन सारे का सारा क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने दीन से लातल्की इख्तियार कर ली है। कुरान और सुन्नत से हमने क्या कर ली है, दूरी इख्तियार कर ली है। फिर क्या है, इकबाल के इसी वाले से वो एक शेर तो है ना, वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। वो जमाने में मुअज्जज थे कि ए मुसलमान कौम, ए नौजवान, तेरे ही अबाओ अजदाद जो थे वो क्या थे, वो जमाने में मुअज्जज थे, उन्होंने जमाने में इज्जत अपनी पैदा की थी, आगे बढ़कर अपनी मदद आप आगे चलकर उन्होंने जो है वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान, मुसलमान कहलाते थे, इज्जत वाले मुसलमान कहलाते थे। फिर क्या है, और तुम खार हुए, और हम क्या है, जदीद नस्ल क्या हो चुके हैं, और तुम खार हुए तारके कुरान होकर, कि हमने क्या किया कि कुरान का जब से साथ छोड़ दिया उस वक्त से हम क्या हुए, हमारे ऊपर तरह तरह की परेशानियां और मुसीबतें आ रही है। 36 बांधे जी इसके 36, जिसमें से किताब में जो है इस सबक इस नजम में जो किताब का हिस्सा है जवाब शिकवा, इसमें टोटल 13 बांध जो है वो शामिल किए गए। सुने अब, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, कुदसी रसल है रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है, इश्क था फितना गर सरकश और चलाक मेरा, आसमां चीर गया नाला और बेबाक मेरा। पीरे गर्दों ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्श बरी है कोई, चांद कहता था नहीं अहले जमी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई, कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवान समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा, थी फरिश्तों को भी हैरत की ये आवाज है क्या, अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या, तासरे अर्श भी इंसान की तगो ताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या, गाफिल अदाब से सुकाने जमी कैसे हैं, शोखो गुस्ताख पे पस्ती के मकी कैसे हैं, इस कदर शोख के अल्लाह से भी बरहम है, था जो मस्जूद मलाइक ये वही आदम है, आलमे कैफ है दानाए रमूजे कम है, हां मगर इज्ज के असरार से ना महरम है, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को, आई आवाज हमें अंगेज है फसाना तेरा, अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा, आसमां गिर हुआ नारे मस्ताना तेरा, किस कदर शोक है जुबां है दिल दीवाना तेरा, शुक्र शिकवे को किया हुस्ने अदा से तूने, हम सुखन कर दिया
बंदों को खुदा से तूने। हम तो माइल ब करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राहरो मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जोहरे काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। हाथ बेजोर है इल्हाद से दिल हुगर है, उम्मती बाई से रुस्वाई पैगंबर है। बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, था ब्राहिम पिदर और पिसर हाजिर हैं। बादए अशाम ने बादा नया हम भी नए, हर में काबा नया बुत भी नए तुम भी नए। सफेद दहर से बातिल को मिटाया किसने, नोए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने। थे तो अबाब वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ रखे मुंतजिर फरदा हो। क्या कहा बहरे मुसलमान है फकत वादा हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। अदल है फातिर हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिम आए हुआ काफिर तो मिले हूरों कसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। तू न मिट जाएगा ऐरान के मिट जाने से, नशा मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से। है अया योरश तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नो रात है धुंधला सा सितारा तू है। मिसरे को कैद है गुंचे में परेशान हो जा, रखते बर्दोश हवाए चमनिस्तां हो जा। है तनक माया तू जर्रे से बियाबां हो जा, नगमाए मौज से हंगामाए तूफान हो जा। कुवते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हर कोई मस्त जोक तने आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है। हैदरी फकर है ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। अकल है तेरी सिफर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। माँ सिवाय अल्लाह के लिए आख है तकबीर तेरी, तो मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये बांगे दरा से जो है वो लिए गए हैं। ये टोटल जवाब शिकवा के मैंने आपको बताया कि 36 बांदे जो आपके कोर्स का हिस्सा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 13 बांद जो है वो शामिल किए गए। शिकवा पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बताया कि जवाब शिकवा का पढ़ना बहुत जरूरी है। 1911 में शिकवा लिखी गई। मुख्तसर बता रहा हूं कि शिकवा के लिए इकबाल ने मुसलमानों की बर्बादी, मुसलमानों का जवाल, ये जब इकबाल के नजर में, और ईरान के खास तौर पर ये याद रखेगा, ईरान के मुसलमान जब तबाही की जानिब बर्बादी की जानिब गए, तो इकबाल ने उस वक्त अल्लाह ताला से अपनी नाराजगी का इजहार शिकवा की सूरत में किया। जब हर जानिब से इकबाल पर ये तरह तरह की तोहमतें लगना शुरू हो गई कि इकबाल ये दायरा इस्लाम से खारिज हो गए, इकबाल कुफर कर दिया इकबाल ने, इसके मुकाबले में 1913 में इकबाल ने जवाब शिकवा लिखकर उसी चीज का जो है वो जवाब दिया। कि आज मुसलमान, फिर आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ शिकवा इस बिना पर लिखा गया कि मुसलमानों ने कुरान और सुन्नत की पैरवी करनी छोड़ दी है, जिस वजह से मुसलमानों पर तरह तरह की परेशानियां और तरह तरह की मुसीबतें वो आन उन्होंने घेरा है। दूसरी कौमों ने
मुसलमानों को गुलाम बना के रख लिया है। अगर आज भी मुसलमान उसवे हसना की पैरवी करना शुरू कर दें, कुरान और सुन्नत का दामन पकड़ ले, तो मुसलमान अपना खोया हुआ मुकाम जो है वो दोबारा हासिल कर सकता है। लेकिन आज क्या है, वो इकबाल ने जब मैंने आपको पहले ही बताया ना कि थे तो वो आबाद तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो, कि आज का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ बैरूनी ताकतों की जानिब देखता है। आज का मुसलमान खुद से हिम्मत और हौसला वो पैदा नहीं करता। आज का मुसलमान सिर्फ ये कहता है कि हम हमारे ऊपर कोई दूसरी ताकत आए जो हमारा ये काम भी आसानी के साथ पाया तकमील तक पहुंचा दे। लेकिन मुसलमान पुराने वक्त में क्या था, हमारे अबाओ अजदाद थे तो तुम्हारे ही अबा, वो क्या था कि वो अभी जो शेर पढ़ा था कि वो मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने अबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपार। कि हमारे मुसलमान साइंसदानों ने इतने कारनामे सर अंजाम दिए कि आज गैर कौमें जो हैं, जो गैर मुल्की कौमें हैं, अंग्रेज हो गया वो उन किताबों से, मुसलमान साइंसदानों की किताबों से आज फायदा हासिल कर रहे हैं। कि आज का मुसलमान सिर्फ बातें करने वाला है। एक मिसरा मैंने आपको बताया ना कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा, कि ऐ मुसलमान तू सिर्फ और सिर्फ तू बातें करने वाला है। आज का मुसलमान वो किरदार, उन्होंने बातें भी की, उन्होंने अमल भी किया। तू साबित, तू एक जगह पर रुका हुआ है, वो सैयारा, उन्होंने घूम फिर कर जिस तरह सैयारा एक जगह से दूसरी जगह जाते, उन्होंने इस्लाम की तबलीग को जो है वो आम किया था। कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान अबाओ अजदाद की, कि अपने असलाफ के कारनामों पर जो है ऐ मुसलमान तू गौर करना शुरू कर दे। कि उन्होंने जब तरह तरह की परेशानियां मुसलमानों पर इस वजह से आई कि उन्होंने क्या किया था? आज हमारे घरों में क्या है, कुरान पाक की क्या तालीम रोजमर्रा की बुनियाद पर हम पढ़ते हैं उसको? नहीं पढ़ते। सिर्फ क्या है, एक ऊंची जगह पर रख दिया गया। किस हवाले से? कि बस घर में जो है वो बरकत हो जाए। हमें कुरान पाक, कौन सी ऐसी बात है जो कुरान पाक में छुपी हुई नहीं है? कुरान पाक हमारे से बात करता है, या यो लजीना आमनु, ए ईमान वालो। कुरान पाक हमें हर जगह पर हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन क्या है कि आज अफसोस के साथ कि हमने उससे लातलकी इख्तियार कर ली, फिर हमारे ऊपर परेशानियां और मुसीबतें ना आए तो फिर क्या हो सकता है? ईरान के मुसलमानों की जवाले और बर्बादी का बुनियादी सबब यही बात बनी थी कि उन्होंने कुरान और सुन्नत की पैरवी करनी छोड़ दी थी। आज के लिए ये, कल जो है आने वाले वक्त में जो है ये मैं इसके मीनिंग वगैरह आपको जो है वो एक एक लफ्ज़ के लिखवा कर उसके बाद मैं इसकी तशरीह जो है वो उस जानिब जो है वो करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही रखें, बाकी जो है वो कल आपको दोबारा से इसके लफ्ज़ों के मीनिंग और तशरीह जो है आने वाली क्लास में वो मैं आपको